हल्दी वाला दूध आपकी बॉडी के लिए एक हेल्थ टॉनिक का काम करता है, एक औषधि का काम करता है, लेकिन अधिकतर लोग ये नहीं जानते कि हल्दी वाला दूध बनाने का सही तरीका क्या है और उसको किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाए जिससे कि उसके सारे के सारे औषधीय बेनिफिट्स आपको मिले। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि किस तरीके से हल्दी का दूध बनाना चाहिए और उसके फायदे क्या क्या होते हैं। तो उसके लिए आपको चाहिए होगा ताजा फ्रेश हल्दी का एक छोटा सा टुकड़ा और उसके साथ साथ आपको चाहिए होगा एक गिलास दूध। उसके अलावा भी आपको बाकी कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी चाहिए होते हैं हल्दी वाला दूध बनाने के लिए, जैसे काली मिर्च आपको चाहिए होगी, सिनेमन आपको चाहिए होगा, ये इसके औषधीय गुणों को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो हल्दी वाला दूध किस प्रकार बनाया जाए पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके लिए आपको चाहिए होगा एक हल्दी का ताजा टुकड़ा। एक हल्दी के ताजे टुकड़े को आप काट लीजिए छोटा सा एक पीस और इसको काटने के बाद आप इसका छिलका उतार दें। छिलका उतारने के बाद आप इसको खरल में डाल दीजिए और साथ ही साथ कुछ 5 से 6 दाने काली मिर्च की इसमें आप मिला दीजिए। इसको अच्छे से कूट लीजिए और उस तरह से कूटें कि काली मिर्च और हल्दी का टुकड़ा एक दूसरे में मिल जाए। अब ये जब रेडी हो जाएगा तो उसके अलावा आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपको लेना पड़ेगा कोई 1 कप पानी। 1 कप पानी में थोड़ा सा एक सिनेमन का टुकड़ा डाल दीजिए और जो आपने अभी ये कूटा था हल्दी का टुकड़ा और काली मिर्चें, उसको इस पानी में डाल के इसको आप आंच पे चढ़ा दीजिए उबलने के लिए। अब आप लीजिए कोई 6 से 7 बादाम जो रात भर आपने पानी में भिगो के रखे होंगे और सुबह को इन बादामों का आप छिलका उतार लीजिए। बादाम की जगह आप कैश्यू नट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। बादाम मिलाने से एक तो आपको एनर्जी मिलती है, बादाम के भी अपने बेनिफिट्स होते हैं, साथ ही साथ आप इसमें एक खजूर, 1 से 2 खजूर मिला सकते हैं। खजूर ना हो तो आप शक्कर भी डाल सकते हैं या मैपल सूप डाल सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपको इसमें मीठा चाहिए या नहीं चाहिए। हाँ, ये डालने से 2 बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। अब इसमें आपको 1/2 कप पानी मिलाना होता है। पानी मिलाने के बाद इसको आप अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए और इस तरीके से ये एक पेस्ट जैसा बन जाएगा। दूसरी ओर आपने जो हल्दी रखा हुआ था वो भी रेडी हो चुका होगा, लेकिन उससे पहले आपका जो ये पेस्ट था, इस पेस्ट को आप एक मग में डाल दीजिए। अब इसमें दूध मिला दीजिए और जो हल्दी उबालने के लिए रखा था उसको सीव के अंदर से उस पानी को छान के इस पेस्ट के अंदर मिला दीजिए। अब आपका दूध हल्दी वाला रेडी हो गया है, लेकिन इसको आप अच्छे से 2-3 बार बर्तन एक से दूसरे में पलट लीजिए तो इसमें गाढ़ापन आ जाएगा, सारे इंग्रेडिएंट्स भी अच्छे से मिल जाएंगे और इस तरीके से आपका हल्दी वाला दूध रेडी हो जाएगा। अब आप इस दूध को जब ये झाग आने लगे तो आप इसको निकाल लीजिएगा एक मग के अंदर और मग में निकालने के बाद आप इसको सर्विंग ग्लास में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया बनाने का तरीका हल्दी वाला दूध। अब बात कर लेते हैं कि इसके फायदे क्या हो सकते हैं। हल्दी वाले दूध के फायदे बहुत ज्यादा हैं। जो सबसे बड़ा फायदा होता है, ये एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट के रूप में काम करती है, यानी कि बॉडी के अंदर या शरीर के अंदर या किसी अंग के अंदर अगर सूजन होती है, स्वेलिंग होती है, इन्फ्लामेशन होती है, तो इसको ये काफी तेजी से घटा देती है और आपके दर्द में राहत भी देती है। ये एंटीसेप्टिक, एंटी बैक्टीरियल के तौर पे भी काम करती है, तो शरीर में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हील करती है, अंदरूनी घाव को हील करती है और आपको वायरस और बैक्टीरियाज के इन्फेक्शन से भी बचाने में काफी हद तक मदद करती है। ये डाइजेस्टिव के तौर पे भी काम करती है, ब्लड प्योरीफायर का भी इसका बहुत अच्छा काम है, आपकी ब्लड को प्योरीफाई करके आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाती है, कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ करती है। तो इस तरीके से अगर आप हल्दी वाला दूध इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने आप को फिट एंड फाइन रख पाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें, सो दैट इस तरह के हेल्थ इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।